हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं हूं रविंदर बंसल। दोस्तों, आज मैं आपको प्रयागराज के बारे में बताऊंगा। प्रयागराज वाराणसी से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहां पर गंगा जी और यमुना जी का संगम है और सरस्वती जी लुप्त रूप में मिलती हैं, जिस कारण इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यहां पर हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है, जिसमें श्रद्धालु लाखों की संख्या में संगम में डुबकी लगाते हैं। इसलिए इसे संगम नगरी, कुंभ नगरी या तंबू नगरी भी कहते हैं। वाराणसी से हम प्रयागराज सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहां से संगम 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। किनारे पर पहुंचकर हमने प्राइवेट बोट ली, जिसका किराया लगभग 600 रुपये है। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत बढ़िया। खाली बीच में गंगा बहती है क्या? ऐसे घूम के बहन जी, ऐसे चले गए। अब देखो अलग अलग अच्छी जल दिखाएंगे हम आपको। जहाँ वो संगम रहते ना बहन जी, वहाँ संगम 80 हाथ पानी होगा। वहाँ केवल हाथ होने ही बहुत है, वहाँ होता तो घाट नहीं लगता। वहाँ क्यों लगाते घाट? थोड़ा पानी धोवाई नहीं। ओ भैया, ज्यादा पानी रहता है। अगर कम पानी हो जाए बहन जी, घर नहीं लगाता। है तो संगम ना, वहाँ पे क्या घाट है? हाँ, वो असली संगम है ना। जनता नहा गई, दिखा नहीं बहन जी। ऐसा ना, ये सुबह 4 बजे भोज बनाते हैं और शाम को 5 बजे निकाल चले जाते हैं। संगम में एक जगह रहता नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। पता कैसे चलता है? सब पता कर लेते ना, ये गोता खोल हो गए। हाँ, अगर एक जगह होते ना कि घर में घोर में पत्ता घाट बन जाता, बदलता रहता है। हाँ, भोज बनाते रोज निकाल, अगर ये नहीं निकाले ना तो मालूम पड़े घर में सो रहे हैं, रातों रात काशी बनारस भर के चले जाते। 2 लाख रुपए का माल लगा रहे थे, इसको कोई गवर्नमेंट तनख्वाह देता नहीं, आप ही लोग देते हैं। देखिए गंगा जी का पानी देख लीजिए, तेज पानी देख लीजिए, ठीक है ना बहन जी? मोबाइल का चीज करना था। घाट पर पहुंचकर हमने पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया और यहां आकर बहुत ही शांति का अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ स्नान करने के बाद हम वापस किनारे की तरफ चले। ये जो सामने आप फोर्ट देख रहे हैं, इसे अकबर ने 1583 में बनवाया था। अभी यहाँ पर मिलिट्री का कंट्रोल है और टूरिस्ट के लिए कुछ हिस्सा ही खुला हुआ है। यहीं पर अक्षावट भी है। ये सामने नैनी ब्रिज है, जो देश का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। किनारे पर पहुंचकर हम पास में ही बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए। हमें बताया गया कि गंगा मैया जी हर साल हनुमान जी को नहला कर जाती हैं। एक भी साल ऐसा नहीं रहा जब ऐसा नहीं हुआ हो। यहाँ पर हनुमान जी की दक्षिण की तरफ बड़ी मूर्ति है, जो कि 6 से 7 फुट नीचे है। मूर्ति का सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में है। इसे बड़े हनुमान जी या लेटे हनुमान जी भी कहते हैं।
बड़े हनुमान जी के दर्शन के बाद हमने अकबर के किले में बनी पातालपुरी मंदिर में अक्षावट के दर्शन किए। इससे सबसे पुराना मंदिर भी बोलते हैं। यह जमीन के नीचे बना हुआ है और इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद हमने अक्षावट पाताल मंदिर के दर्शन किए और टेढ़े हनुमान जी जिन्हें बड़े हनुमान जी भी कहते हैं वहाँ भी दर्शन किए। अब हमारा खाने का कुछ मन हो रहा है तो हम अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क गए। यहीं पर 27 फरवरी 1931 में आज़ाद जी शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से हम आनंद भवन गए जिसका निर्माण पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने करवाया था। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहीं पर घटी थी। दोस्तों, वाराणसी और प्रयागराज ऐसी जगह है जहां पर एक बार आने से मन नहीं भरता, यहां आने का बार बार मन करता रहेगा। ये दोनों धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर लिखें। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।